ठीक है भाई, अभी मटन हांडी का पिटारा खुलने वाला है और ये जिसने पिटारा खुल गया है देखिए, इस तरह से आपका मटन का कलर देखिए कितना लाजवाब कलर आ गया भैया। ये देख सकते हैं मटन कितना बढ़िया से अभी बन के रेडी हो चुका है, लगभग आधा से अधिक बन गया ना भैया। आधा से अधिक बन गया है और कलर देखिए ओ भाई, ये गजब का हड्डी वाला पीस तो और सुपर लगता है। लहसुन वगैरह भी डाले हुए ना भैया, गोटा लहसुन डालते हैं। अच्छा, जिससे आप मिला जा रहा है मटन से किया जा रहा है, मिक्स कर रहे ना भैया। हाँ अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट ये हांडी में जाने वाला है, डायरेक्ट हांडी में जाएगा। ये देख सकते हैं मटन के साथ इस तरह मिक्स किया जा रहा है, ये एक के जी यहाँ पे एक के जी बनने वाला ना भैया। हाँ तो सब हांडी का अलग अलग रेट होता है, सब हांडी का पहले से बना हुआ हांडी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मटन, अच्छा ये लगभग बन के रेडी हो गया ना भैया। लगभग बन के रेडी है, इसका रोगन देखिए किस तरह से है रोगन। ये देखिए भाई, इसका रोगन किस तरह से आ चुका है, ये मटन का, ये हांडी मटन का रोगन देख सकते हैं किस तरह देखने को मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देख सकते हैं लाल लाल जो रोगन दिख रहा भाई, वो रोगन है मटन का, ये प्योर मटन का ये पहचान ना भैया। हाँ प्योर मटन का पहचान देखिए, इसके पीछे देखिए जो अच्छी तरह से पक जाए, इसलिए लेप लगाया जा रहा है। सब सब हांडी में इस तरह लेप लगाएगा ना भैया। हाँ हाँ, ये देख सकते हैं इस तरह से आटा का लेप लगाया जा रहा है, जो काफ़ी बेहतर सारा पीस यहाँ पे, पंजड़ी पीस जो भी पसंद है वो मांग सकते हैं ना भैया। हाँ हाँ, ये देख सकते हैं पंजड़ी वाला पीस यहाँ पे जा रहा है। एक पीस में कितना पीस रहता है भैया, एक प्लेट में? एक प्लेट में तीन पीस, एक प्लेट में तीन पीस ना। चुका है, चलिए देखते हैं इसको कितना बढ़िया सीझा हुआ है। देखिए इतना बढ़िया से सीझा हुआ है मटन भाई, ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ग्रेवी देख सकते हैं, कितना गाढ़ा ग्रेवी देखने को मिलेगा, ये शानदार है। स्वागत है दोस्तों राजस्थानी ब्लॉग में। तो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे देख सकते हैं चंपारण होटल, और यह चैंपियन चंपारण होटल में बनाया जाता है मिट्टी के हांडी में जो मटन बनाया जाता है वो काफी लाजवाब बनाया जाता है, और यहाँ का जो बनाने का प्रोसेस है वो काफी बेहतरीन है और पूरा देहाती तरीकों से यहाँ पे बनाया जाता है, और काफी सालों से यहाँ पे चंपारण होटल का जो है ना वो चल रहा है। तो यहाँ पे चंपारण चैंपियन खुल चुका है दीपा टोली जस्ट बगल में, और यहाँ पे चौक दीपा टोली चौक आपको देखने को मिलेगा, उसी के फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ उसके आगे आपको खेलगांव चौक में देखने को मिलेगा, और जस्ट बूटी मोड़ से 1 किलोमीटर के आगे यहाँ पे खुल चुका है चैंपियन चंपारण मटन भात भाई। तो यहाँ पे बनाया जाता है जो मटन बनाया जाता है वो मिट्टी के हांडी में बनाया जाता है, वो काफी लाजवाब होता है। दिखाते हैं यहाँ का जो मेकिंग है, सारा कुछ दिखाने वाले हैं, वीडियो शुरू से लास्ट देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो करते शुरू और दिखाते हैं भाई यहाँ जो मिट्टी का जो हांडी में बनता है मटन, वो सारा कुछ दिखाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ मिट्टी का हांडी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे बनने वाला मटन, और ये देखते हैं तेल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे डाल चुके हैं, और भैया जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो भैया आज क्या दिखाने वाले हैं आप? हम दिखाने आए मटन हांडी कैसे बनता है। अच्छा मटन हांडी कैसे बनता है वो सारा कुछ प्रोसेस बताइएगा ना। अच्छा लोकेशन बता दीजिएगा आपका। हाँ लोकेशन, अगर किसी को आना हो यहाँ पे लोकेशन बता देंगे, खेलगांव बूटी मोड़। अच्छा बूटी मोड़ के सामने, मतलब बूटी मोड़ के जस्ट 1 किलोमीटर आगे बढ़िएगा चौक के सामने, यहाँ पे बनेगा चैंपियन चंपारण मटन हांडी। तो भैया आज जो खिलाइएगा ना एकदम बेहतरीन वाला मटन। हाँ एकदम खिलाएंगे बेहतरीन वाला। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी का हांडी आ चुका है और हांडी में बनने वाला मटन, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं प्लास्टिक में आ चुका है, ये आधा केजी है भैया, 1 केजी। अच्छा 1 केजी। हाँ 1 केजी मटन आ चुका है, और इसको फ्रेश से अच्छी तरह धोइएगा ना, उसके बाद ये हांडी में जाने वाला ना भैया। हाँ इसके बाद हांडी में जाएगा। ये देख सकते हैं भाई मटन को अच्छी तरह से धोया जा रहा है। ये प्याज वगैरह तोल के डालते हैं भैया ना। हाँ, कितना क्वांटिटी में प्याज डालते हैं? 1 केजी में 600 ग्राम। 1 केजी में 600 ग्राम। हाँ। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तोला जा रहा है प्याज को, इस तरह से तोल रहे हैं प्याज, उसके बाद ये मटन में जाएगा। उसके बाद ये क्या क्या डाल रहे हैं भैया, मसाला डाल रहे हैं? हाँ मसाला डाल रहे हैं। अच्छा ये घर का रहता सारा मसाला? हाँ घर का ही मसाला। अच्छा घर का रहता है, अपने से पेस्ट बनाते ना भैया। ये क्या जा रहा भैया? ये है नमक। ये देख सकते दोस्तों नमक जा चुका है, नमक जा चुका है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। 600 ग्राम प्याज रहेगा 1 केजी में ना भैया? हाँ 1 केजी में 600 ग्राम, मतलब पूरा ग्रेवी बनने वाला पूरा प्याज का। हाँ तो देख सकते हैं अभी ये क्या जा रहा भैया? ये जा रहा आपका बोलती पाउडर है। अच्छा उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे मसाला जाने वाला, ये क्या जा रहा भैया? ये कश्मीरी मिर्च। ये कश्मीरी मिर्च जा रहा है ना भैया कलर लाने के लिए? कलर डालने लाने के लिए कश्मीरी मिर्च डाल रहे भैया। ये गरम मसाला, ये गरम मसाला डाल दिया भैया ना। हाँ पहले मसाला बनाइएगा उसके बाद मटन में डालिएगा ना भैया। हाँ मसाला कूटा हुआ बना हुआ है। अच्छा अपने से कूट के रखते हैं ना भैया। हाँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे मसाला कूटा हुआ है, हल्दी है, मिर्ची पाउडर है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है ना, जीरा पाउडर है, उसके बाद प्याज के साथ यहाँ मिक्स किया जाएगा सब इसके साथ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सारा प्याज के साथ अभी मसाला को मिक्स किया जाएगा।
मीट को देख सकते हैं अच्छी तरह से धोया जा रहा है, उसके बाद फिर इसको यहाँ पे डाला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये मटन को यहाँ पे डाल दिया गया है। साइज देखिए भाई, मटन का साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफी शानदार मटन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और जो हांडी में आज मटन बनने वाला ना भाई, वो काफी लाजवाब बनने वाला है। ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे इस तरह देखने को मिलेगा, जो काफी बढ़िया पे मटन देखने को मिलेगा। ये मटन अपने से कटवा लाते हैं भैया? हाँ अपने से। अच्छा कहाँ से कटवा लाते हैं? मार्केट से। पूरा फरियातों रहता है? फरियातों से। अच्छा ये खसी का ही रहता ना भैया? हाँ हाँ। अच्छा ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये मटन को इस तरह से मिला जा रहा है, इस तरह से मटन से साथ जा रहा है, मिक्स कर रहे हैं ना भैया? हाँ। अच्छा उसके बाद डायरेक्ट ये हांडी में जाने वाला है? डायरेक्ट हांडी में जाएगा। ये देख सकते हैं मटन के साथ इस तरह मिक्स किया जा रहा है, और लगभग जो ग्रेवी रहता है प्याज का ही ज्यादा रहता ना भैया? हाँ हाँ। इस तरह से यहाँ पे हांडी को रखा जा रहा है, और इस तरह पे भैया जी मिक्स कर रहे हैं, और प्याज बगल में काट के रखा जा रहा है। और 600 ग्राम यहाँ पे 1 केजी यहाँ पे मटन में डालते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हांडी में जा चुका है दोस्तों। ये 1 केजी यहाँ पे 1 केजी बनने वाला ना भैया? हाँ। तो सब हांडी का अलग अलग रेट होता है? सब हांडी का अलग अलग नहीं, सब सब में 1 केजी करके बनता है। सब 1 केजी रहता है? सब 1 केजी का। अच्छा हाफ केजी का अलग रेट होता है ना? हाफ केजी का अलग रेट है। ये एक देख सकते हैं दोस्तों, हांडी में जा चुका है प्याज, और यहाँ पे मटन के साथ जा चुका है, सारा मसाला डाल दिया इसमें दिए ना भैया? हाँ हाँ। इसी तरह सारा हांडी को इस तरह से भरा जाएगा दोस्तों। पहले से यहाँ तेल वगैरह डाल दिया है ना भैया? हाँ सब तेल वगैरह पहले से डाला। अच्छा तेल और यहाँ पे मिर्चा वगैरह सूखा डाला गया है ना? सूखा, इसको फोरन बोलते हैं इसको ना? हाँ हाँ। और उसके बाद यहाँ पे बारी बारी करके यहाँ पे प्याज के साथ मटन को मिलाया जा रहा है, और मटन को यहाँ पे हांडी में बनाया जाएगा, जो काफी देहाती तरीकों से बनाते हैं भैया। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा मसाला जो होता है वो घर का यूज होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आज बनने वाला हांडी मटन जो भैया दिखाएंगे वो काफी, उसके बाद प्याज वगैरह काफी दिया जाता है मटन में, इसीलिए टेस्ट जो होता है ना ग्रेवी का वो काफी लाजवाब रहता है। और सारा मसाला इस तरह से मिलाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मटन के साथ प्याज को मिक्स किया जा रहा है, देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद हांडी में जाने वाला है, ये सारा मसाला यहाँ पे डाल दिया गया है। एक केजी मटन में कितने यहाँ पे तेल डाला जाता है भैया? 200 ग्राम। 200 ग्राम 200 ग्राम यहाँ पे देख सकते हो कड़वा तेल जा चुका है। कड़वा तेल है ना भैया? हाँ कड़वा का तेल है सर। ये देख सकते हो दोस्तों सारा हांडी में इस तरह से मटन को भरा जा रहा है, और मटन के साथ प्याज को इस तरह से मिक्स करके ये हांडी में डाला जा रहा है। मिट्टी का हांडी में जो बनता है भाई मटन, उसका टेस्ट ही अलग रहता है। सब इसमें मिक्स किया हुआ रहता है, सारा मिक्स किया रहता है ना भैया? हाँ। अच्छा जो सौंधापन आ जाता है मटन बनता है इसमें तो ना भैया? हाँ। इसलिए टेस्ट बढ़ जाता है। तो कब से मिस्त्री कर रहे हैं भैया? ये अभी शुरू हाल फिलहाल से स्टार्ट किया। अच्छा हाल फिलहाल से स्टार्ट किया ना, 2-3 महीना हो रहा है। तो टाइमिंग क्या है यहाँ होटल खुलने का, अगर किसी को आना हो तो टाइमिंग बता दीजिएगा, कितना बजे खाना मिल जाता है? खाना आपका 12 बजे। 12 बजे से खाना शुरू हो जाता है ना भैया? हाँ। सुबह कितना बजे उठ जाते हैं बनाने के लिए? सुबह 9 बजे से 8:30 बजे से शुरू कर देते हैं, बनाना शुरू करते हैं ना? हाँ। तो देख सकते हो इस तरह से मटन और प्याज को इस तरह मिलाया जा रहा है, और सारा हांडी में यहाँ पे भर के रेडी कर दिया जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। और सारा हांडी में भर चुका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा हांडी में भरा गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे चूल्हा में चढ़ने वाला है, जो आपको दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बारी बारी से देख सकते हैं सारा हांडी में यहाँ पे मटन को भरा जा रहा है, और इस तरह से मटन हांडी जो बनता है ना भाई, वो काफी लाजवाब रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से सब मिक्स, सब मिर्च और प्याज जब सब मिक्स कर दिया हूँ। अच्छा सारा मिक्स करके डालेंगे ना भैया? सब सारा मिक्स। कितना समय लगा था भैया बनने में ये? 1.5 से 2 घंटा। 2 घंटा ना? यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा कौन सा कोयला रहता है भैया? ये लकड़ी वाला है। लकड़ी वाला कोयला रहता है ना, लकड़ी कोयला में बनने वाला भाई मटन हांडी जो भैया जी बनाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मटन हांडी बनने वाला है, और ये लकड़ी का कोयला में अभी बनाया जाएगा। और इस तरह से पहले से बना हुआ हांडी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अभी इस तरह बन रहा है, देख सकते हैं इसको बढ़िया से सरिया लेंगे, उसके बाद हांडी को चढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों बारी बारी से यहाँ पे हांडी को चढ़ाया जा रहा है, और ये कोयले की आँच में अभी देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी की आँच में यहाँ पे इस तरह चलाया जा रहा है, और इस तरह से हांडी को चढ़ाया जा रहा है, और लगभग यहाँ पे 1 से 2 घंटा यहाँ पे सिझाया जाएगा। ये देख सकते हैं सारा हांडी का बर्तन को इस तरह चढ़ाया गया है, इस तरह से ये चढ़ चुका है, पूरा चढ़ चुका है ना भैया? हाँ। अभी आधा से 1 घंटा अच्छी तरह से इसको सिझाया जाएगा ना? हाँ, अभी सिर्फ अभी इसको प्याज से पानी निकलेगा, अभी टाइम लगेगा, इसे टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाता है ना। देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं मटन। तो भैया मटन बनाना कहाँ सीखे हैं आप? मटन बनाना रांची से ही सीखे हैं। अच्छा
तो कहाँ से आइडिया है भैया हम लोग को हांडी मटर बनाना चाहिए? ये एक्चुअली पहले है बिहार से आया, चंपारण से। अच्छा, मोतिहारी से। चंपारण से फेमस है ना हांडी? हाँ, चंपारण से मोतिहारी से। तो देख सकते हैं लगभग इस तरह से एक दिन में कितना चीज बन जाता है आपके? एक दिन में? हाँ, एक दिन में बन जाता है चार या पांच। अभी तो अभी पांच के शुरुआत है ना। कितना दिन हो गया होटल का? हाँ, होटल का कितना दिन हो गया? ये होटल का अभी साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला है? हाँ। इसका भी और भी कोई ब्रांच है ना भैया? हाँ, और एक ब्रांच है बूटी मोड़ में। अच्छा, बूटी मोड़ में इसका ब्रांच है ना। सर लगभग देख सकते हैं यहाँ पे अभी, मतलब आप कितना दिन से बना रहे हैं? अभी तो लगभग हो गया 9 महीना लास्ट मंथ से। अच्छा, आप तो 9 महीना से बना रहे हैं ना। हाँ, रेगुलर यहाँ पे बनाते हैं? हाँ, रेगुलर। अच्छा, एड्रेस अगर किसी को खाना हो तो कहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ खेलगांव चौक, खेलगांव चौक के पास। हाँ, खेलगांव चौक आर्मी कैंप है उसी के सामने। इसी से भी चंपारण होटल पूछेगा? चंपारण, हाँ, चैंपियन मटन हांडी। अच्छा, क्या नाम हो भैया आपका? हमारा नाम राम प्रसाद। राम प्रसाद है ना। हाँ, देख सकते हैं भैया जी अभी मटन बना रहे हैं और ये काफ़ी लजीज बनाते हैं, काफ़ी बेहतरीन। अभी मटन देख सकते हैं इस तरह हांडी में अभी बन रहा है भाई, और ये देखते हैं गर्मा गर्म मटन आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है भाई। और इसको अच्छी तरह से पलटा रहे हैं भैया, और ये देख सकते हैं मटन, देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। आधा सीज गया ना भैया? आधा सीज गया है। आधा सीज गया ना, प्याज के साथ जो सीज रहा वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देख सकते हैं। और ये इस तरह मटन आपको यहाँ पे देखने को मिला जो काफी लाजवाब लग रहा है। और ये देखिए भाई अभी बुलबुला जो लग रहा है ना भाई, वो अभी देख सकते हैं प्याज जो है गल रहा है अभी धीरे धीरे सब प्याज को। ये हांडी का देख सकते हैं पिटारा खुलने के बाद आपको इस तरह देखने को मिलेगा मटन, और मटन काफी लाजवाब लग रहा है भाई देख सकते हैं यहाँ पे। और बारी बारी से इसको चला रहे ना भैया? हाँ, कि अच्छी तरह सीज जाए। हाँ, अच्छा तरह सीजने के लिए यहाँ पे बारी बारी से मटन को चला जा रहा है देख सकते हैं। और भैया जी इस तरह से चला रहे हैं मटन को, साइज भी देखिए कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मटन का साइज काफी लाजवाब साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं साइज आपको काफी बड़ा बड़ा साइज रहता है भैया जी का, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिल रहा है, और पूरा लकड़ी के आंच से ही बनाते हैं ना भैया? हाँ, लकड़ी के कोयला से ही, लकड़ी के कोयला से ही बनता है। ये पूरा फुल था लेकिन अभी आधा हो गया ना भैया? हाँ, ये प्याज सीज के आधा कर दिया। प्याज सीज के आधा कर दिया, जैसे जैसे प्याज गलेगा वैसे वैसे आपका मटन बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये देखते काफी बेहतरीन टाइप के यहाँ पे मटन बन रहा भाई, जो काफी लजावा लग रहा है देख सकते हैं। कलर देखिए अभी से निकल कितना बढ़िया साफ सुथरा मटन का कलर देखिए यहाँ पे मटन का कितना बढ़िया। मटन का कलर जो आपका धीरे धीरे रेड हो रहा है, रेड होते जा रहा है, ये देखिए इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से आप मटन जो है धीरे धीरे रेड हो जाए भाई। अभी मटन हांडी का पिटारा खुलने वाला है, और ये देखते पिटारा खुल गया है देखिए, इस तरह से आपका मटन का कलर देखिए कितना लाजवाब कलर आ गया भैया। ये देख सकते हैं मटन कितना बढ़िया से अभी बन के रेडी हो चुका है, लगभग आधा से अधिक बन गया ना भैया? आधा से अधिक बन गया है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आधा घंटा। और सबको इसी तरह खोल खोल के देखिएगा ना भैया? हाँ, उसके बाद चलाते रहिएगा ना, चलाना है बस। और ये कलर देखिए कितना बढ़िया से निखर के आ चुका है, जैसे हमारा प्याज जो गल के आपका पूरा मेल हो जाएगा, पूरा मेल हो जाता है ना। हाँ, ये देखिए सारा हांडी का इस तरह से खोलेंगे भैया जी, और यहाँ पे चलाएंगे इस तरह से। देखिए हांडी को चलाया जाता है जिससे ऊपर नीचे मीट को किया जाता है। अच्छा, ऊपर नीचे मीट को करिएगा ना। हाँ, अच्छी तरह से इसको ऊपर नीचे करके इसको सिझाते हैं ना भैया? हाँ हाँ, पर लगता है लहसुन वगैरह भी डाले हुए ना भैया? हाँ, गोटा लहसुन डालते हैं। अच्छा, जिससे आदमी किसी को पसंद है लहसुन तो वो भी खा सकते हैं ना, लहसुन लहसुन मांगते हैं कोई कोई। ये देखिए तो यहाँ पे दूसरा पिटारा खुल गया है, और इस तरह से यहाँ पे मटन को जो चलाया जा रहा है वो काफी लजाब चलाया जा रहा था भाई, देख सकते हैं इस तरह से मटन को ऊपर से नीचे मिलाना पड़ता है। मटन कितना मस्त लग रहा भाई देखने में, और सारी हांडी को मटन इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरह से सीज रहा मटन, ये देख सकते हैं यहाँ पे हल्की आंचों में सिझाते हैं ना भैया? हाँ, हल्की आंचों में, पूरा हल्की आंचों में पूरा सिझाते हैं जिससे अच्छी तरह सीज जाए। हाँ, आंच पूरा हल्का रहता है, अच्छी तरह से पकाना पड़ता है। अच्छा, ये देखिए कितना मस्त बुलबुला यहाँ पे दे रहा है भाई मटन का, इसमें आपका और तेल आ जाएगा ऊपर से ऊपर। अच्छा, ऊपर तेल डालिएगा ना? जैसे नहीं, तेल डालना नहीं, ऊपर से जैसे जैसे प्याज गलेगा पूरा मसाला बन जाएगा इसमें, मीट में गल जाएगा मीट, जैसे जैसे पकेगा आपका तेल आ जाएगा ऊपर में। और ये देखिए भाई काफी लजाओ अभी मटन बन के रेडी होने वाला है, मटन का खुशबू देखिए अब निकल रहा है, बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है मटन का देख सकते हैं यहाँ पे। कलर भी देखिए, कलर कितना बढ़िया से निखर के आ चुका है, ये देखिए निखार इसका देखिए कलर है, देखिए आपका गोटा लहसुन है इसमें डालते हैं, गोटा लहसुन भी डालते हैं ना भैया, ये देखिए आपका मीट का साइज देखिए। ओ भाई गजब,
साइज भी काफी बेहतरीन रहता है हमारा मटन। अच्छा, ये लगभग बन के रेडी हो गया ना भैया? लगभग बन के रेडी है। इसका रोगन देखिए किस तरह से है, रोगन ये देखिए भाई, इसका रोगन किस तरह से आ चुका है। ये मटन का, ये हांडी मटन का रोगन देख सकते हैं किस तरह देखने को मिलेगा, जो काफी खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देख सकते हैं लाल लाल जो रोगन दिख रहा है भाई, वो रोगन है मटन का। ये प्योर मटन का ये पहचान है ना भैया? हाँ, प्योर मटन का पहचान। देखिए इसके पीसेस लगाने वाले भैया, ये हम आटा का लेप लगा रहे हैं। अच्छा, आटा का लेप लगाएगा। अच्छा, लेप क्यों लगा रहे हैं भैया? इसमें आपका मटन जो है बिल्कुल हमारा बढ़िया से पक गया है। अच्छा, तो बन के रेडी हो गया है, इसमें लेप लगा दे रहे हैं। 10 मिनट इसमें अंदर में रहेगा, उसके बाद इसमें मटन जो है बराबर पूरा पक के रेडी हो गया। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे आटा का लेप लगाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो अच्छी तरह से पक जाए इसलिए लेप लगाया जा रहा है। सब सब हांडी में इस तरह लेप लगाएगा ना भैया? हाँ हाँ, ये देख सकते हैं इस तरह से आटा का लेप लगाया जा रहा है, जो काफी बेहतरीन लग रहा है। जो मटन का जो टेस्ट और बढ़ जाएगा ना भैया? हाँ हाँ, इससे और थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा और मटन हमारा बढ़िया से पक जाएगा अंदर। देख सकते हो दोस्तों, सारा हांडी में यहाँ पे आटा का लेप लगाया जा रहा है। लेप लगाने का खास मकसद है कि अच्छी तरह से आप मटन को सीज सके, इसलिए यहाँ पे लेप लगा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हवा नहीं निकल जाए इसीलिए यहाँ पे लेप लग रहा है। हवा जो है अपना जितना मोटिवेशन हवा जो है अंदर में रहेगा वो अच्छी तरह से जा देगा ना। ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मटन को यहाँ पे बनाया जा रहा है, और इस तरह देहाती तरीक़ों से बनाया जाता है भाई चंपारण होटल में, और चंपारण हांडी मटन के लिए काफ़ी फेमस है भाई। अब ये देख सकते हैं भाई, ये सील खुल चुका है, ये मटन बन के अब लगभग रेडी हो चुका है, और पूरी अच्छी तरह से बन गया ना भैया मटन? हाँ हाँ, पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गया। ये देखिए भाई, अब मटन का कितना बढ़िया रोगन आ चुका है, और ये मटन देखिए, मटन अभी निकल रहा है खाने के लिए, अभी देख सकते हैं निकल रहा है भैया। ये मटन काफ़ी बेहतरीन टाइप का बना हुआ है। एक प्लेट में कैसे देते हैं भैया? एक प्लेट में 3 पीस। एक प्लेट में 3 पीस कितना रुपया लेते हैं आपका? 3 पीस मटन और एक प्लेट चावल। एक प्लेट चावल 200। 2 पीस देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से मटन निकल चुका है भाई, जो काफी बेहतरीन लग रहा है मटन का, सुपर टेस्ट है भाई। ये देखिए, ये मटन का रेसिपी इस तरह से निकल रहा है, और रेसिपी देखिए कितना गाढ़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए भाई, इस तरह से आप निकल चुका है, इस तरह से इसका ग्रेवी रेसिपी देखिए। ये एक प्लेट निकल गया मटन। हाँ, एक प्लेट निकल गया, ये एक प्लेट मटन निकल चुका है, और दूसरा में देख सकते कटोरी में यहाँ पे निकल रहा मटन, जो काफी लाजवाब लग रहा है भाई। देख सकते हैं यहाँ पे, सारा पीस यहाँ पे पंजड़ी पीस जो भी पसंद है वो मांग सकते हैं ना भैया? हाँ, ये देख सकते हैं पंजड़ी वाला पीस यहाँ पे जा रहा है। एक पीस में कितना पीस रहता है भैया? एक प्लेट में, एक प्लेट में 3 पीस। एक प्लेट में 3 पीस ना? हाँ, एक प्लेट में 3 पीस कितना रुपये लेते हैं? 3 पीस मटन और फुल प्लेट चावल 200। 200 रुपये ना? हाँ, तो 3 प्लेट यहाँ पे देख सकते हैं, 3 पीस यहाँ पे मटन निकल चुका है, एक प्लेट यहाँ पे चावल जाएगा, मात्र 200 रुपये हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जो काफ़ी दमदार लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए भाई, चंपारण होटल घुसने के से पहले देख सकते हैं इस तरह से आपको टेबल देखने को मिलेगा, और मेनू कार्ड देख सकते हैं इस तरह से देखने को मिलेगा भाई। ये है मेनू, मटन थाली 200 रुपए किलो, चिकन थाली 160 रुपए, जितना पीस रहता है यहाँ पे मटन में आपको 3 पीस देखने को मिलेगा फुल प्लेट। उसके बाद इसका स्पेस देख सकते हैं बैठने के लिए, यहाँ पे कितना बढ़िया सा स्पेस बनाया गया है, यह देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से स्पेस देखने को मिलेगा, जो काफी सुंदर लग रहा है, और इस तरह से खाना आ रहा है भाई। ये देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों मटन हांडी का, देख सकते हैं ये मटन आ चुका है, और ये लाजवाब मटन आपको देखने को मिलेगा, जो काफी बढ़िया सीज चुका है। चलिए देखते हैं इसको कितना बढ़िया सीजा हुआ है, देखिए इतना बढ़िया से सीजा हुआ है मटन भाई, ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ग्रेवी देख सकते हैं, कितना गाढ़ा ग्रेवी देखने को मिलेगा, ये शानदार ग्रेवी यहाँ पे जा रहा है मटन में। ये देख सकते हैं यहाँ पे मटन आ चुका है, और ये ग्रेवी देखने को मिलेगा, साथ में चावल और ये पापड़ और सलाद जाने आ जाएगा। चलिए इसे खा के देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है भाई। तो फाइनली गाइस, सुबह से वेट किया और आ चुका है हमारे पास मटन हांडी, और ये चंपारण का जो है चैंपियन चंपारण का ये मटन आ चुका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से आया चावल, और चलिए इसे खा के देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पे। ये चावल के साथ यहाँ पे इसको ग्रेवी को अच्छी तरह से सान लेंगे, सुपर लाजवाब टेस्ट लग रहा भाई, मजा आ गया खा के। इतना टेस्ट लग रहा ना भाई, हाथ को चाट खाने का मन कर रहा है। अब देख सकते हैं हम
ये आ चुका है मटन भाई हमारे पास, ये देख सकते हैं यहाँ पे लाजवाब टेस्ट, इतना बढ़िया सीख चुका है ना भाई मटन, ये देख सकते हैं कितना लाजवाब नाली पे आ चुका है, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है खाने में, सुपर। इतना बढ़िया से यहाँ टेस्ट आ रहा ना, मसाला ग्रेवी इतना बढ़िया से बना हुआ ना, प्याज जो डाला गया ना भाई कच्चा प्याज जो 600 ग्राम यहाँ पे प्याज डाला गया ना, वो ग्रेवी का प्याज का अलग ही टेस्ट आ रहा है, और ऊपर से अदरक लहसुन जो डाला गया है उसका टेस्ट अजीब टाइप का लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई, सुपर टेस्ट है। लहसुन का टेस्ट और मसाला का टेस्ट काफ़ी अच्छा सा आ रहा, तीखापन बहुत बढ़िया है, सुपर टेस्ट लगा, मजा आ गया खा के। लाजवाब टेस्ट भाई, साथ में हमारे पास पापड़ आ चुका है, पापड़ और सलाद तो मिलता है ना, उसका टेस्ट ही मस्त रहता है। चंपारण का सबसे बढ़िया इसका ग्रेवी लगता है, देहाती खांसी का ये पहचान है, इतना बढ़िया से सीझा हुआ है ना भाई, मानना पड़ेगा। भाई अगर इस तरह का मटन खाना हो, हांडी मटन खाना हो, यहाँ पे चैंपियन चंपारण आ सकते हैं, और लोकेशन की बात की जाए तो दीपा टोली के जस्ट आगे 2 कदम बुटी मोड़ से 1 किलोमीटर के आगे चैंपियन चंपारण है, जहाँ पे हांडी मटन बनाया जाता है, 200 रुपये में 3 पीस मिलेगा और पूरा प्लेट चावल मिलेगा दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बता दें, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए फटाफट चावल और मटन खा करते खाता, क्योंकि मटन सच में काफ़ी टेस्ट है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अलविदा चाहता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।